लखनऊ के बाद अब मुरादाबाद में बुलडोजर की कार्रवाई होने की तैयारी में है। मुरादाबाद में नगर निगम के द्वारा अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अपनी दुकानों के सामान को बाहर नहीं निकालेंगे तो हम 24 घंटे बाद हम उनको गिरा देंगे। मुरादाबाद में भी जैन मंदिर रोड की जो मार्केट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नगर निगम की ओर से लाल निशान लगाए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है फिर इन दुकानों को तोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद में जो व्यापारी हैं उन्होंने इस मार्केट को बंद कर दिया है। और यहाँ पर जो आप माहौल देख रहे हैं ये सब वो लोग हैं जो यहाँ पर लगभग 50-60 साल से लगातार यहाँ अपना काम करते आ रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जिनकी रोजी रोटी है उस रोजी रोटी को ही उखाड़ने की कोशिश इन अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। इनसे बात करते हैं भाई साहब, क्या मामला है, क्या नाम है? मेरा नाम विकास सोनकर है। क्या मामला है? ये जेल रोड जैन मंदिर पर ये आवंटित खोखे हैं जो नगर निगम द्वारा आज उनको चिन्हित करके लाल निशान लगाया गया और उसको कहा गया कि आज अपना सामान निकालिए, कल हम खोखे हटा देंगे आपको बुलडोजर के माध्यम से। कोई नोटिस हमें नहीं, कोई हमें जानकारी नहीं चीज़ की। बराबर निगम को हम किराया जमा करते हैं। कितने पुराने लोग हैं यहाँ पर, कितने कब से रह रहे हैं? ये करीब यहाँ पर 50-60 साल पुराने खोखे हैं जो हमारे पिताजी दादाजी के टाइम से हैं और जिनको हम संभाल रहे हैं। हमारी जीविका का यही एक माध्यम है, हमारे बच्चों की परवरिश का ये एक माध्यम है। अच्छा, अधिकारियों से या यहाँ के जनप्रतिनिधियों से किसी ने बात की? महापौर जी के साथ पास मिलने के लिए गए श्री विनोद अग्रवाल जी के पास, उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया कल देखेंगे। कल तो उन्होंने अल्टीमेट दे दिया हटाने का। हमारी सुनवाई हुई, नगर राज जी के पास गए, आयुक्त जी ने हमें देख के और गाड़ी में बैठ के तुरंत निकल गए। उन्होंने हमारी सुनी में हम पीछे से आवाज़ लगाते रह गए, ना प्रशासन सुन रहा है हमारी, ना हमारी शासन सुन रहा है। हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? इसी वजह से हम खड़े जी। क्या नाम है आपका? आप खड़े हो जाएगा जरा, क्या नाम है आपका? विशाल सोनी नाम है मेरा। बताइए क्या है परेशानी में और अधिकारियों का क्या जवाब? अधिकारी का कोई जवाब ही नहीं, अधिकारी मिले ही नहीं, जवाब कहाँ से देंगे? आयुक्त से मुलाकात हुई थी महापौर जी से, वो कह देखेंगे, अब कब देखेंगे? कल सुबह बुलडोजर आ जाएगा, वो कल देखेंगे, कल कब देखेंगे? तो अब कब तक आपके डटे रहने की ये तैयारी है, कब तक रहेंगे? जब तक सुनवाई नहीं जाती हमारी, हम चाहते हैं सही समाधान हो जाए हमारा। सन 62 से हम लोगों की दुकानें यहाँ अलॉटमेंट हैं नगर निगम से। अब सन 62 से 2024 चल रहा है, आप लगा लो कितने साल हो गए। हमारे पिताजी बैठते थे, उनके पिताजी बैठते थे, आज हम लोग यहाँ अपने रोटी रोजी चला रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कर्जे में डूबते जा रहे हैं हम लोग। आपको मालूम है कारोबारी की स्थिति बीजेपी की कैसे हालत में कैसी हो रही है सरकार में, उसके बाद में ये नाटक की दुकानें हटा लो। अरे भाई क्यों हटा लो? तुम बेरी में हमें दुकानें दे रहा हो, हमसे किराया ले रहा हो, हर साल किराया जा रहा है और अपने नहीं, 50 साल से बताइए आप। तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारे जो दुकानें हैं ये यहीं रहेंगी जब तक हम दर्जा प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे यहाँ से। अच्छा, जो अधिकारियों से मिलने की कोशिश की है? हम नगर निगम गए, नगर आयुक्त ने हमसे देख के और उनने हमसे पीजा काट के बोले साहब जा रहे हैं, साहब जा रहे हैं, हमारी बात ही नहीं सुनी। हम पीछे सवाल, हमने महापौर से कहा ये सब इनके साजिश है, मिली हुई है। कितना समय हो गया आपको सड़कों पर बैठे हुए, कब तक रहेंगे? 12 बजे से बैठे हुए हैं दोपहर के हम लोग। हमारे पास 12 बजे नगर निगम से दो लोग आए, सभी दुकानों पे लाल निशान लगा के चले गए। हमने कहा भाई क्यों लगा रहे हो? बोले भाई शाम तक आपको सभी दुकानों को खाली करना। वो बोले कि खाली करो। अच्छा, क्या क्या बात? वो बोले कि अपना दुकान का सामान शाम को ही निकाल लो, नहीं तो सुबह को आगे तोड़ दिया जाएगी। कौन लोग थे जो नगर निगम के लोग थे? बाबू थे नगर निगम के, पहले दूर लाल निशान लगाया, हमने उन्हें रोका तो पीछे से वो आए कि अनाउंसमेंट कराया कि कल तक सामान हटा लो। अच्छा, दुकानें हटाने का आधार क्या बता रहे? कुछ नहीं बता रहे, स्मार्ट सिटी बना रहे, स्मार्ट सिटी बना रहे, गरीबों को हटाना, गरीबी नहीं है, सड़क चौड़ी हुई है, छोटी हुई है, रोजी रोटी दे नहीं रहे, रोजी रोटी छीन रहे हैं, कारोबारी इन्होंने दिया है। भैया इस गवर्नमेंट ने बीजेपी सरकार में यही हो रहा है कि गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। अयोध्या के अंदर क्यों इनकी सरकार नहीं आई? उसका कारण यही है, इन्होंने मंदिर बना दिया इतना बड़ा और सब गरीबों के घर उजाड़ दिए। ये कहाँ की सरकार है? उससे लाख करोड़ रुपए की वो बना के और कई कई लाखों में दुकानें बिजनेस कराए, मॉल बना बना के लोगों को दिया। भगवान जी ये कह रहे हैं, भगवान जी ये कह रहे हैं कि गरीबों को उजाड़ के तुम मेरा मंदिर बनवाओ, बताइए आप। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ में, महिलाओं से भी बात करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। जी माता जी, क्या नाम है आपका? मैं आपसे बात ही कर लूँ।
क्यों आखिरकार अपने घर छोड़ के आप यहाँ बैठी हैं? अरे तो आज सुबह ही आए, लाल निशान लगा दिया निगम से, कुछ लोग आए सुबह नहीं आए दोपहर में, और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के बोले कि शाम तक दुकान खाली करने, कल को उजाड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये आप मानती हैं ये इस तरह एक तुगलकी फरमान है? बिल्कुल। तो ये क्या सोच, गुंडागर्दी कहेंगे क्या कहेंगे इसको, बताइए। जो यहाँ के लोकल के जो लीडर्स हैं या फिर जो अधिकारी हैं, उनसे किसी से बात हुई या कोई पहुँचा? नगर आयुक्त गए थे हम, जैसे ही पब्लिक गई, नगर आयुक्त की गाड़ी ऑफिस से बाहर आ गई, और जो उनके और लोग थे वो बोले साहब गए, साहब जा रहे हैं, साहब जा रहे हैं। नगर आयुक्त ने देखा होगा हम लोगों को, बहुत पब्लिक थी, इतने सारे लोग दिखाई नहीं दिए होंगे। अच्छा, लगता नहीं कि इतना कितनी महापौर आए, महापौर बोले अच्छा सुबह देखेंगे। अब जब उनसे ये पूछा गया कि सुबह कितने बजे मिले, तो इस टाइम पे इस बात पे वो इरिटेट हो गए, फिर हम लोग नगर आयुक्त से बात करें, टाइम नहीं बताया। अब सुबह मॉर्निंग 8 बजे भी होती है, 10 बजे भी होती है, क्या ये जब उजाड़ देंगे तब मिलेंगे हमसे? अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, फैक्स भेज दिया है शासन प्रशासन लोग क्षेत्रीय स्तर तक सब तक, कि अगर नहीं माना, हमारी मांग नहीं पूरी की, तो हम सब लोग यहाँ आत्मदाह करेंगे, हमारे पास और कोई चारा नहीं, अभी इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, आपका क्या लगता है कब से ये आप कब तक रहेंगे, क्या लगता है कि अधिकारी सुनेंगे आपकी बात? हम रात भर यहीं पे रहेंगे, कह रहे हैं कल सुबह बुलडोजर चला देंगे, दोपहर को 2 बजे क्या कर गए हैं, शाम तक दुकानें खाली कर दो, कैसे कर दें, कहाँ जाएंगे हम? कोई हमें कोई बदले में कुछ जगह दी, हमें कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं करा, ना कोई मुआवजा ना कुछ है, दुकान सुबह तक खाली कर दें, आज खाली कर दें, सुबह जैसी भी आएगी अपना काम कर जाए। अच्छा, इस इन दुकानों से कहीं ना कहीं जो एक दिल की जो भावनाएं हैं या जो संवेदनाएं हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ी होंगी? मैं 90 से आ रही हूँ, हमारी शॉप 77 से है, हमारे फादर इन लॉ बैठते थे, मैं 90 से आ रही हूँ, अब 90 से अब तक का सफ़र, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादी की इसी दुकान से ही किया है, ये दुकान और हमारा तो एक बहुत गहरा रिश्ता है, हमारा पूरा जीवन यहाँ बीता है। अब ये क्या कहकर उजाड़ रहे हैं, आपको हटा रहे हैं लोग? पता नहीं, शायद सौंदर्यकरण, स्मार्ट सिटी, यही कारण हो चाहिए, ऐसा सौंदर्यकरण करेंगे ना, शहर सुंदर दिखना चाहिए, उसके पीछे कितने लाशों से गुजरेंगे, इस सौंदर्यकरण का क्या फ़ायदा, जबकि ऑलरेडी रोड देखिए कितनी चौड़ी है, आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल पूरे शहर में इससे चौड़ी रोड नहीं होगी। तो ये वो लोग हैं जिनके परिवार कहीं ना कहीं सड़कों पर आने की कगार पर हैं, और सीधे तौर पर कहा जाए कि जो व्यापार होता है, व्यापार ही सब कुछ है, और देखना होगा कि आखिरकार जो अधिकारी हैं या फिर जो शहर के या जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन समस्याओं पर कितना गंभीरता के साथ काम करते हैं या फिर लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए क्या काम करते हैं, ये देखने वाला समय होगा। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद।